हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। जो कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग का पेपर है इसके अंदर लीजिंग वर्सेस बाइंग का जो न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, डैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने जो है टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ऑलरेडी जो लेक्चर है उसके अंदर वो न्यूमेरिकल एक डाला हुआ है, वो आप लोग देख लेना। लीजिंग और बाइंग का कंपेरिजन है। आज हम यहाँ पर करेंगे जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसके अंदर कितना पोर्शन डेट का है, कितना पोर्शन जो है इक्विटी का है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, जैसे एबीसी लिमिटेड है उसकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है डेट इज़ 1 करोड़ और जो एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है डेट इज़ 50 लैक्स। उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर इशू कर सकती है या वो सारा का सारा डिबेंचर इशू कर सकती है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है। और यहाँ पे जो हमने एडिशनल जो 50 लाख्स हमें चाहिए उस पर हमें 20% की रिटर्न है और जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है डेट इज़ 30%। और यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा मैंने वर्किंग नोट्स के अंदर जो है, देखो यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का मतलब है कि यहाँ पे हमें 50 लाख्स चाहिए और इस 50 लाख का 20% जो है 10 लाख्स बनता है, जिसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है। अगर हम सारा का सारा डिबेंचर रेज से रेज करते हैं और उसके ऊपर जो है 50 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाता है 5 लाख इंटरेस्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, ऑप्शन के अंदर क्या है कि हमने पूरी की पूरी इक्विटी यूज़ की है और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 10 लाख है। और देखो यहाँ पे क्या है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमने सारा का सारा जो है इक्विटी इशू की है। और इसके ऊपर जो 30% उन्होंने टैक्स बोला है, 10 लाख का 30% जो है वो 3 लाख होता है, वो हमने माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाती है अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है 7 लाख आ जाती है। और हमारे पास टोटल जो इक्विटी है वो है 1 करोड़ 50 लाख्स। तो यहाँ पे हमने 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 50 करोड़ इंटू 100, तो ये आ जाती है 4.66%। और उसी तरह जो सेकेंड ऑप्शन है, देखो वहाँ पे हमने क्या किया है कि इक्विटी हमने यूज़ नहीं की, हमने सारा का सारा पैसा जो है डिबेंचर से लिया है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है 5 लाख बनता है। तो अर्निंग इंटरेस्ट निकाल के बिफोर टैक्स आ जाती है 5 लाख और इसके ऊपर 30% जो टैक्स है वो 1 लाख 50 थाउजेंड आ जाता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है 3 लाख 50 थाउजेंड आ जाती है। और यहाँ पे क्योंकि हमने कोई इक्विटी शेयर फर्दर इशू नहीं किए, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या है कि जो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है डैट इज़ टू द ट्यून ऑफ 1 करोड़। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया है कि इसको 3 लाख 50 थाउजेंड डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100, तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 350 है। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.66 है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें फर्स्ट ऑप्शन से ज़्यादा रिटर्न मिलती है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसी के बाद दूसरी प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्या है कि 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे भी हमें टोटल 50 लाख चाहिए और यहाँ पे इक्विटी ऑन कैपिटल जो है 30 लाख्स है, लोन कैपिटल जो है 20 लाख्स है और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% है। सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या है, रिवर्स है, इक्विटी 20 है और लोन कैपिटल 30 लाख्स की है, उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तीसरी ऑप्शन के अंदर क्या है कि इक्विटी कैपिटल 10 लाख की है, लोन जो है 40 लाख्स का है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है 22% है और कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटेड 20% पर एनम डिविडेंड और यहाँ पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो 30% है। सरचार्ज 7% है, ये तभी एप्लीकेबल है अगर हमारी टोटल इनकम जो है 1 करोड़ से एक्सीड करती है बट 7 करोड़ तक रहती है और एजुकेशन सेस है 3%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी टोटल जो एक्सपेंशन के लिए हमें कितने फंड चाहिए, 50 लाख्स के चाहिए, 50 लाख का 22% क्योंकि उसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिल रही है वो है 22%, तो वो आ जाती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है 11 लाख 20 थाउजेंड है और ये भी 11 लाख 20 थाउजेंड है और ये भी 11। तीनों ऑप्शंस के अंदर जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है वो सेम है। और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है कि हमने 20 लाख का डिबेंचर या लोन कैपिटल यूज़ किया है, तो 20 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है 3 लाख बनता है और जो
30 लाख है उस पर 450 बनता है, और जो 40 लाख है उस पर 6 लाख बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से जब इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ये हमारे पास इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आ जाता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, वो मैंने यहाँ पे एक सेपरेट वर्किंग नोट्स के अंदर कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि अर्निंग बिफोर टैक्स, हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के अंदर से इंटरेस्ट माइनस करके यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स लिख लेना है, और इसका हमने 30% कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ये 30% हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारी इनकम है 2,46,000 है, 1 करोड़ 6 ईट नहीं करती, इसलिए हमारा क्या है कि यहाँ पे 7% जो सरचार्ज है वो एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे हमने एजुकेशन सेस देना है, एजुकेशन सेस जो होता है वो टैक्स के ऊपर होता है, 2,46,000 के ऊपर आपने 3% कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया। अब हमने टैक्स प्लस एजुकेशन सेस को ऐड करके ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये 2,53,380 है, यहाँ पे 2,07,03 है, और थर्ड ऑप्शन के अंदर सबसे कम है 1,60,680 है। अब हम देखो सॉल्यूशन के अंदर जो है, यहाँ पे देखो अब हमें पता है तो अर्निंग बिफोर टैक्स के अंदर से जितना हमने इनकम टैक्स वर्किंग नोट्स के अंदर कैलकुलेट किया है वो हमने माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाती है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये 5,66,620 है, सेकेंड ऑप्शन के अंदर ये 4,62,970 है, और थर्ड ऑप्शन के अंदर जो है 3,59,320 है। और यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल वैल्यू के अंदर है वो 30 लाख की है, सेकेंड के अंदर ये 20 लाख की है, और थर्ड के अंदर ये 10 लाख की है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इन वैल्यू इनटू 100। यहाँ पे मैंने 100 नहीं लिखा, बट आपने 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट के अंदर जो रिटर्न आती है डैट इज़ टू द ट्यून ऑफ 25.77, और सेकेंड ऑप्शन के अंदर ये 23.15 आती है, और थर्ड ऑप्शन जिसके अंदर हम डेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ पे ये 35.93 है। तो यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी भी कम है, और तो यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन जो है जिसके अंदर 40 लाख जो है डेट है और 10 लाख जो है इक्विटी है वो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी भी कम है, और साथ में क्या है कि हमारी अर्निंग पर शेयर जो है वो भी ज़्यादा है।